आज हमारे को भैया जी दिखाएंगे। भैया जी क्या चीज दिखाएंगे आज? सर मैं आज आपको ना कृत्रिम लाला जी, कृत्रिम दुकानदार भी बोल सकते हो। हाँ। मतलब आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं आपके AI टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो दिखाने जा रहा हूँ। दिखाएंगे तो वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पार्ट है वो दिखाने जा रहा हूँ कि भाई ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये कृत्रिम लाला जी है हमारे। मतलब एक दुकानदार होता था गाँव में उस या शहर में जो सामान देता था, आज ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक लाला जी है। हाँ, ये ऑटोमेटिक मतलब इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक लाला जी। इनको आपने पैसे देने हैं और इनमें सामान आपको ऑटोमेटिक ही, और सामान आपने यहाँ आ जाता है, नीचे यहाँ से आपको निकालना है सामान। तो ये हमारे कृत्रिम लाला जी हिमाचल के यहाँ पहले लाला जी, पहले हिमाचल हिमाचल के पहले कृत्रिम लाला जी, ऑटोमेटिक लाला, ऑटोमेटिक। मेरे ब्रदर भी है दुबई में ना जी, दुबई में उन्होंने भी एक वीडियो भेजी थी मेरे को ये वाली है ना। हाँ सब अंकल जी कर रहे हैं इसका श्री गणेश, तो देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसे होगा। चॉकलेट वैसी ही है जैसी होती है चॉकलेट, जैसी होती है चॉकलेट होती है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, पता करेंगे कि ये खाने में भी वैसी है कि नहीं है। कार्ड वगैरह तो मानती है, आप ATM कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। गाइज़ राम राम, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ आज हम आए थे MMU हॉस्पिटल, तो वहाँ हमने एक देखी वेडिंग मशीन, तो ऑटोमेटिक उसमें एक सिस्टम है, तो हम आपको दिखाते हैं कि ये सिस्टम मैंने फ़ौरन में वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, और ये पहला सिस्टम में काफ़ी हम घूमते हैं। तो ये सिस्टम मैंने MMU तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में एक हॉस्पिटल पड़ता है, तो वहाँ ये सिस्टम देखा हमने। तो आज देखते हैं हम यहाँ से कुछ निकाल के कि क्या ये पीछे वेडिंग ये मशीन लगी है, और काफ़ी यहाँ लोग इकट्ठा भी हुए हैं। तो यहाँ देखते हैं कि किस तरीके का क्या इसका सिस्टम होता है, और किस तरीके से ये पैसे लेता है, और क्या सिस्टम से निकलता है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा था एक बार। हम आज इसको चला के देखेंगे, और ये अंकुश भैया हमारे साथ है। तो अंकुश भैया बताइए कि कैसा ये मशीन है और क्या इसका सिस्टम है। ये ऐसी मशीन है कि आपको किराने पे जो एक दुकानदार होता है ना, हाँ जी, जरूरत नहीं है। मतलब एक ऑटोमेटिक मशीन है जो उस दुकानदार का काम कर रही है, सामान देने का काम कर रही है। अच्छा, इसमें नंबर लगे हुए हैं, अगर आप देख दिखा पाए दर्शकों को, 101, 102, 103, 103, ये प्रोडक्ट का कोई नंबर लगा हुआ ना, वो नंबर है सिलेक्शन नंबर कि आपको चाहिए क्या। मान लीजिए मुझे चाहिए आपका ये आलू भुजिया चाहिए मुझे, तो इसका 135 नंबर है। या मुझे नट क्रैकर चाहिए तो उसका 133 नंबर है। अगर हमें किटकैट चाहिए तो उसका 142 नंबर है। मान लीजिए मुझे किटकैट खानी है, तो मुझे यहाँ पे पहले, यहाँ पे अभी तो कोई आवेज को एग्जिट करना पड़ेगा, एग्जिट करके आपको यहाँ पे 142 डालना पड़ेगा। 142 डालते ही इसने मेरे को बता दिया कि ये 30 रुपये की आइटम है। अब मुझे जो है कैश जो है 30 रुपये, 30 रुपीस जो है, वो इसमें कॉइंस ने नो कॉइंस लिखा है, कॉइंस इसमें नहीं। अच्छा, कॉइंस नहीं मतलब इसमें डलता नहीं, नहीं, नहीं। जी, तो भाई इसके बारे में इसकी काफ़ी शिकायत होती है, शायद ये पैसे पूसे फंसने का ऐसा कुछ इसमें डर तो नहीं होता, कहीं पैसा फंस जाए या ऐसा कुछ? अभी तक तो हमारे तो किसी के फंसे नहीं है, बाकी बता नहीं सकते इसके बारे में। अच्छा, मैकेनिक या कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो तो वो एक अलग बात है, बाकी ऐसे तो इसमें जस्ट लाइक ATM मशीन, जैसे हम ATM से पैसे निकालते वैसे इसमें। तो इसमें अमाउंट उतना ही डालना जितनी मतलब ये चीज़ है, कि अगर जैसे 20 रुपये की चीज़ है तो इसमें 50 रुपये डाल दिया? अभी हम डाल के देखेंगे, देखते हैं। अच्छा, तो गाइस आप देखें हमारे इस तरीके से इसमें इस तरह से 50 रुपये। ये देखिए ये कितने की थी, 20 की थी। इसमें चेंज है नहीं, इन्होंने डाली थी ना, तो चेंज नहीं आ रही। इसमें चेंज डाली होती तो चेंज भी वापस आ नहीं। 30 का ले सकते हैं आप, सामान 30 का आप ले सकते हैं सामान, और कैसे 30 का सामान और ले सकते हैं, 30 रुपये बचे हैं उसका सामान, 30 रुपये। अच्छा, तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे? अब पैसे वापस नहीं मिलेंगे, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, 30 का सामान नहीं। अच्छा जी, जगह ये देखिए, ये देखिए गाइस आ चुकी है हमारे पास, और लोग हमारे ऑटोमेटिक दुकानदार का मैं धन्यवाद कर रहा हूं। ये सामान दिया, 10 आपको डालना पड़ेगा, 20 रुपए का सामान आपको आ जाएगा, 10 रुपए और डाल के 20 रुपए का आपको सामान। ये तो हमने सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ब्लॉग बनाने के लिए। नहीं नहीं, ये हमारे YouTube चैनल का नाम पहाड़ी उस्ताद जी ब्लॉग करके, कल सुबह 8-9 बजे डल जाएगी। तो गाइस आप देखें कि हमने इसमें डाले थे 50 रुपए, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, पार्ट है। और मेरे को लग रहा है कि हर जगह इस्तेमाल हो, चाहे हमारी मेडिकल साइंस है, चाहे लीगल है, चाहे किसी भी जगह चले जाए आप, वहाँ हाँ। पे AI टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है। इवन हमारा जो सेल फोन है वो भी एक AI टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। बिल्कुल, उस तरह से आज दुकानदारों का जो काम है उसको आसान कर दिया है इस मशीन के आने से। तो ये देखिएगा इसमें एक और बार हम बता देते हैं आपको, ये मतलब मैंने तो आज तक नहीं देखा भारत में, ये पहली बार ही भैया, पहली बार ही देख रहे हैं हम तो, है ना? बिल्कुल, पहली बार फिल्मों में तो देखा है, देखा या ना फोरन में, हाँ देखा है, एयरपोर्ट्स में देखा हुआ, पर एरिया में हिमाचल में है ना।
तो इसमें गाइज एक और बार भैया एक और बार बता दो कि क्या इसका सिस्टम है। सर सिंपल सिस्टम है, इसमें सिलेक्शन नंबर लगे हुए हैं। हाँ जी, 101, 102, 103, 101 से लेकर सीरीज है और 160 तक, और 60 तक डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। किसी को चिप्स खाना है, कुरकुरा खाना है, डोरिटोज खाना है, लेज खाना है, तो वो अलग अलग उसका एक नंबर है। आपको क्या चीज़ खानी है सबसे पहले जरूरत है उस नंबर को पता करना कि हमें पहले नंबर पता करना है। मान लीजिए हमें कुरकुरा खाना है तो 102 नंबर पे आ रहा है, फिर वहाँ यहाँ पे आकर के हमारे को वो नंबर डालना है। आप एग्जिट करेंगे यहाँ पे नंबर डालेंगे 102 सिलेक्शन नंबर डालने के बाद जैसे हमने सिलेक्शन नंबर डाला इसने अमाउंट बताया 20 रुपीज़। ये हमने डाला इसमें 102, हमने 102 ये नंबर डाला इसमें, आप देख सकते हैं प्राइस बता, और इसमें इसने यहाँ प्राइस भी बता दिया कि ये 20 रुपीज़ का है। और उसके बाद हमने अमाउंट के नोट को आपको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, वो खुद मशीन अंदर ले जाएगी नोट को, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट गिर के नीचे आ जाएगा, नीचे गिरने के बाद आपको इसको इस तरह से फ्लैग को निकालना है और यहाँ से अपना प्रोडक्ट निकालना है। दरअसल गाइज इसमें ऐसा हुआ कि 50 रुपए हमने डाले, इसमें चेंज नहीं थी, अगर इसमें चेंज होती तो वापिस आ जाती। गाइज हम पूछेंगे अंकल जी से, पूछेंगे कि अंकल जी को, अंकल जी कैसी आपको सिस्टम लगा, फिगरे हैं जैसे 120, 125, 124 जो भी है उस हिसाब से इनकी जो रेट लगे हुए रेट से उसमें वो करके उनको वो कर दो फिर उसी हिसाब से उसका जो। तो भैया आपने ये कहाँ देखी मुझे, आपके ब्रदर दुबई में? मेरे छोटे ब्रदर है, रियल ब्रदर मेरे जो है दुबई में है, वहाँ पे जॉब करते हैं, तो सैटरडे संडे वो लोग घूमने जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो बड़े बड़े मॉल्स में ये सिस्टम लगा है। क्या बोलते हैं आपके जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे, ये बहुत जगह पे लगी हुई है। अच्छा, दे आर यूजिंग दैट मशीन रेगुलर। हमारे लिए हमारे सोलन में MMU में ये मशीन देखी, हमारे पहली बार देखी, मेरे को बोला कुछ नंबर डाल के देखो क्या हो सकता है, तो मैंने जो है कोशिश करी अपनी तरफ से कि मैं एक नंबर डाल लूँ और पता लगे कि कैसे काम करती है। फिर अंकल जी हमारे साथ थे, इन्होंने थोड़ी सी गाइडेंस भी दी कि भाई देखो ध्यान रखना चाहिए कैसे ना तुम्हारे पास जाए, कुछ भी बड़ी चीज़ें रहती है। हाँ जी, कैसा लगा अंकल जी आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़। जब सामान बाहर आ गया था तो क्या था कि आ गया सामान है ना, पैसा पैसा नहीं तो अंकल जी पहले डर तो लगोला भी, डर तो लगा भी पता आना कि नहीं आना है। एक बार तो मैक भी होगा जब मतलब 50 रुपए थोड़ा भी आया है, ताकि हमारे लोग जो बेचारे गांव गया उनको पता लगे, टेक्नोलॉजी नहीं देखी होती, नहीं पता होता, वो यहाँ पे आकर के ठगना जाए या कुछ भी। मेरा ये ध्येय था अंदर से, मन से ये था कि उन लोगों तक हम ये मैसेज पहुँचाए कि जो भी व्यक्ति यहाँ आए तो डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ सिलेक्शन नंबर डालें, अमाउंट पता लग जाएगा, प्रोडक्ट अपने आप बाहर निकल के नीचे आ जाता है। ये यहाँ फ्लैप बना हुआ, यहाँ से निकालना है आपको, आप ये मत सोचिएगा खुद खुलेगा, आपको थोड़ा सा इसको पुश करना है और अंदर से अपना सामान निकाल के निकालना है। ये ऑटोमेटिक ही जब जैसे भी यहाँ का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा ये ऑटोमेटिक यहाँ से पुश करेगा, ये जो सिस्टम आगे लगे ये तार ऐसी, और ये खुद ही प्रोडक्ट को बाहर निकालेगी, जब ये बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिक ये नीचे आ जाएगा। अब हम खाएंगे चॉकलेट, क्या पता इसका टेस्ट कैसे हो। अभी हम सब खा के दिखाएंगे कैसी है, ऐसा तो नहीं कहीं कोई अलग हो है, खाइए पर इसका टेस्ट क्या पता अलग हो। अंकल जी बुजुर्ग है तो ये इनके हाथों से हम इसको सब अंकल जी कर रहे हैं इसका श्री गणेश, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसे होगा। वैसे खाई तो बहुत बार है, क्या पता इसका टेस्ट कुछ अलग ही हो, क्या पता ये चीज़ें अलग हो जाएंगी इसे पीना हो, तो इसका टेस्ट करके भी देखते हैं। भाई साहब भी हमारे हैं, और ये देखिए चॉकलेट वैसी ही है जैसी जैसी होती है चॉकलेट, जैसी होती है चॉकलेट होती है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, पता करेंगे कि ये खाने में भी वैसी है कि नहीं है। नहीं है तो भैया सबसे बड़े टेस्ट में कोई वेरिएशन नहीं है, टेस्ट वैसा ही है जैसा होता है टेस्ट, बिल्कुल है ना। तब कैसा लगा आपको खाने? वैसी आम उसकी तरह है जैसे दुकानों में मिलती है, दुकानों में मिलती है, बिल्कुल सेम। तो देखिए गाइस आज हमने AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके
चॉकलेट खाई है और तीन लोगों ने बांट के खाई, ये सबसे बड़ी बात है। और जिसका रैपर होगा अभी हम उसको डस्टबिन में डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे हाँ जी, उसको फेंकेंगे नहीं। और ऐसा ना करें, अगर आप यहाँ आते हैं MMU में यहीं खाया पिया यहीं रह दिया, ये यहाँ सीसीटीवी कैमरे का पूरा वो है, ऐसे समझ आप यहाँ गंद डाल दे, क्यों पहली बार देख सकते कोई ऐसा कूड़ा करकट यहाँ, बिल्कुल साफ सफाई है, साफ सफाई बिल्कुल है। और बाहर यहाँ डस्टबिन है, कम से कम 4 से 5 बार यहाँ मैंने पूछा लगता देखा है यहाँ तो काफ़ी। और ये जगह वहाँ है जहाँ मतलब रिसेप्शन एरिया है आपका, हाँ इमरजेंसी का, यहाँ काफ़ी लोग पीछे बैठते हैं ये देख सकते हैं आप। आपने देखा हमने भैया ने उसे, मेरे को भी ये ज़्यादा चलानी नहीं आती पर इन्होंने एक्सपीरियंस, आपने चलाई थी भैया पहले? नहीं नहीं मैंने पहले नहीं चलाई थी, बट मैंने देखी हुई थी ये मशीन, ये देखी थी दुबई में, वहाँ ऐसी मशीनें होती है ना और ऑटोमेटिक ये और सब कुछ हुआ सब। एक्चुअल मेरे ब्रदर भी है दुबई में ना जी, दुबई में उन्होंने भी एक वीडियो भेजी थी मेरे को ये वाली है ना हाँ। तो मैंने इसमें ऐसा भी सिस्टम है, अगर मान लो आपने 100 रुपये डाल दिया, अगर चेंज नहीं है तो यही ऑप्शन है कि आप इसमें से बैलेंस्ड अमाउंट का ये आप ध्यान रखें कि जी अगर आपके पास खुले हैं तो खुले ही डाल लें, अगर आपने 20 रुपए की 50 रुपए की चीज लेनी तो 50 रुपए डाले पहले है ना, और कॉइंस नहीं मानती है ये, हाँ कॉइंस अलाउड है, बाकी कार्ड वगैरह तो मानती है, आप ATM कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया, तो ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये कैसी टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, राम राम।